हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा. आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर मैग्नेटिक सर्किट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी मैं मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करवा रही हूँ. आज मैंने सीरीज मैग्नेटिक सर्किट का थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन लिया, जिसमें मैं बी एच कर्व से रिलेटेड एक मैग्नेटिक मटेरियल के बी और एच के रिलेशनशिप को यूज़ करूँगी म्यू पता करने के लिए, क्योंकि बी इक्वल टू म्यू एच होता है. इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं आपको सम के थ्रू समझाना चाह रही हूँ. तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं. द मैग्नेटिक सर्किट शोन हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशंस. एक मैग्नेटिक सर्किट है जिसके डायमेंशन से ए सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कोर का जो है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का, लेंथ ऑफ द कोर जो है वो 40 सेंटीमीटर है, एयर गैप एल जी इज इक्वल टू 0.5 mm है, मतलब ये एयर गैप 0.5 mm का है, और नंबर ऑफ टर्न्स जो है वाइंडिंग की वो 350 टर्न्स है. द कोर इज मेड अप ऑफ मटेरियल विद द बी एच रिलेशनशिप गिवन बिलो, मतलब इस बी एच रिलेशनशिप को पजेस करता है वो कोर मटेरियल जो है, जिस जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है. फॉर बी इक्वल टू 1.0 टेस्ला इन द कोर, हमें इस कोर में फ्लक्स डेंसिटी मेंटेन करनी 1 टेस्ला की, तो हमें क्या क्या फाइंड करके देना है. फ्लक्स कितना चाहिए होगा इतने बी को मेंटेन करने के लिए, एंड द टोटल फ्लक्स लिंकेजेस लैम्डा, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू n5. मैंने फ्लक्स लिंकेजेस आपको मशीन्स का डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाए थे, उसमें आपको बता चुकी हूँ फ्लक्स लिंकेजेस के बारे में. तो लैम्डा इज इक्वल टू n5 ये होता है. रिक्वायर्ड करंट टू सेट दिस फ्लक्स इफ़ देर इज नो एयर गैप, आपको रिक्वायर्ड करंट तब पता करना है जब एयर गैप ना हो, मतलब पूरा मैग्नेटिक मटेरियल हो, एयर गैप नहीं एग्जिस्ट करता, तब हम मान के चलेंगे इस मैग्नेटिक मटेरियल की लेंथ को कितना 40 सेंटीमीटर, और जब हम एयर गैप इंट्रोड्यूस कर देंगे तो फिर हमारी लेंथ ऑफ कोर मैग्नेटिक मटेरियल 40 माइनस 0.5 mm हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर माइनस 0.5 mm, इस तरीके से मैं लेकर चलूँगी. तो आपको जब एयर गैप ना हो तब कॉइल में से कितना करंट भेजे 350 टर्न वाली, ताकि यहाँ पर बी कितना मेंटेन हो सके 1 टेस्ला का. थर्ड आपसे पूछा है द रिक्वायर्ड करंट विद द प्रेजेंस ऑफ एन एयर गैप. अब आपसे पूछा गया तीसरी बार कि एयर गैप है तब मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी सेट करे जिसकी वजह से डेंसिटी 1 टेस्ला की होगी, तो उसके लिए ऐसा हो पाए जब मैग्नेटिक मटेरियल अलोंग विथ एयर गैप है तब 1 टेस्ला का फ्लक्स की फ्लक्स डेंसिटी सेट हो पाए, तब कितना करंट यहाँ से सेंड करना पड़ेगा ये आपको कैलकुलेट करके देना है. तो यही सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ. सबसे पहले आपको फ्लक्स निकालना है. आपसे पूछा गया द फ्लक्स एंड द टोटल फ्लक्स लिंकेज, तो फ्लक्स बी इंटू ए सी होता है, चाहे फ्लक्स डेंसिटी मैं यहाँ की लूँ या एयर गैप की लूँ. अब बेटा यहाँ पर हम फ्रिंजिंग फिनोमिना को निग्लिजिबल मानकर चल रहे हैं, तो फ्लक्स डेंसिटी जो मैग्नेटिक मटेरियल में होगी, और अगर एयर गैप एग्जिस्ट करता है तो एयर गैप में भी वही फ्लक्स डेंसिटी होगी. तो फ्लक्स डेंसिटी 1 टेस्ला की, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर फ्रिंजिंग नहीं मान रही हूँ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मैग्नेटिक मटेरियल का जो होगा वही एयर गैप का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा. तो दोनों में फ्लक्स डेंसिटी सेम, दोनों के क्रॉस सेक्शन सेम. तो फ्लक्स डेंसिटी 1 टेस्ला इंटू क्रॉस सेक्शन एसी करेंगे तो मुझे फ्लक्स लाइंस पता चल जाएंगी. तो 1 टेस्ला इंटू एसी 16 × 10⁻⁴, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1.6 मिली वेबर्स इतनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस आ जाएगी इस पर्टिकुलर सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में. अब आपसे पूछा है कि आई फाइंड करो जब कोई एयर गैप नहीं है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले हम MMF देखेंगे. MMF होता है रिलक्टेंस इंटू फ्लक्स. तो रिलक्टेंस की वैल्यू, एयर गैप नहीं है तो पूरा आयरन मटेरियल है कोर, तो एल सी अपॉन म्यू सी इंटू ए सी ये रिलक्टेंस हो गया, और फाइव मुझे मालूम है 1.6 मिली वेबर्स है, तो मतलब यहाँ पे 10⁻³ भी मुझे लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें मीटर स्क्वायर और वेबर्स में ले रही हूँ तो म्यू सी. अब मुझे इस मैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू पता करना है, मुझे नहीं मालूम, उन्होंने नहीं दिया हुआ है कांस्टेंट, इसका परमेबिलिटी नहीं दी हुई, तो मैं कहाँ से रीड आउट करूँगी. बी एच कर्व के रिलेशनशिप से, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिया है, कई बार आपको बी एच कर्व भी प्लॉट किया हुआ दे देते हैं, तो आपको ग्राफ से रीडिंग उठानी पड़ती है. तो बी कितना है 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग एच कितना है 20,
तो b इक्वल टू म्यू एच से म्यू की वैल्यू b अपॉन h करके मतलब 1 अपॉन 20 करके 0.05 इतनी मैं फाइंड आउट कर ली हूँ म्यू c। तो अब जब मुझे r पता करना है तो एल सी की वैल्यू 40 इंटू 10 to the power -2 -4 म्यू सी की 10 to the power -2 सॉरी सेंटीमीटर को मीटर में कर रहा है तो 10 to the power -2 म्यू सी की वैल्यू हो जाएगी 0.05, ए सी की वैल्यू 16 into 10 to the power -4 और फाइ की वैल्यू आपकी 1.6 into 10 to the power -3। तो ये आर इंटू फाइ मतलब रिलक्टेंस इंटू फ्लक्स करके आपका एमएमएफ निकला है। इस एमएमएफ की वैल्यू को अगर मैं नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे करंट की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि ये एफ जो होगा वो एन इंटू आई है। तो इस पूरी क्वांटिटी को अगर एन से डिवाइड कर देती तो आई निकल आएगा। तो ये पूरा जब हमने सॉल्व किया तो 22.86 mA इतना करंट आया, मतलब यहाँ पर एयर गैप एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पूरे मैग्नेटिक मटेरियल में अगर मुझे 1 Tesla का की फ्लक्स डेंसिटी मेंटेन करनी है तो कितना करंट भेजना पड़ रहा है मुझे, 22.86 mA का करंट भेजना पड़ रहा है। रिलक्टेंस कितना ऑफर हो रहा है सर्किट में इतना, और ये अप्रॉक्सीमेटली बेटा 5000 आता है मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, इस वाले के लिए 5000 आ रहा है। अब एयर गैप रखा हुआ है तो नेचुरली इस मैग्नेटिक मटेरियल की लेंथ कितने से कम हो गई, 0.5 mm से कम हो गई। तो मैं इसका रिलक्टेंस कैसे फाइंड करूँगी, एल सी अपॉन म्यू सी इंटू ए सी। तो एल सी की वैल्यू 40 - 0.5 × 10⁻¹⁰ मतलब ये mm को सेंटीमीटर में कर दिया और सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट किया और फिर मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻²² से मल्टीप्लाई कर दिया। और म्यू सी 0.05 था, ए सी 16 × 10⁻⁴ था। इसको पूरे को सॉल्व करते हैं अप्रॉक्सीमेटली ये भी 5000 आता है, और इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 5000 आता है। मतलब एयर गैप को की लेंथ को सब्ट्रैक्ट करने पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब एयर गैप का रिलक्टेंस निकालें तो एल जी अपॉन म्यू जी इंटू ए जी। तो एल जी जो है वो 0.5 × 10⁻³, म्यू जी 4 pi × 10⁻⁷ होता है। एयर गैप का क्रॉस सेक्शन भी 16 × 10⁻⁴ ले लिया, पूरा सॉल्व किया बेटा तो ये आया 2,48,679.6 इतना रिलक्टेंस आया। टोटल रिलक्टेंस सर्किट का जो होगा वो 5000 प्लस ये हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स करेंगे डिवाइडेड बाय 350 करेंगे तो करंट मतलब ये एमएमएफ है, एमएमएफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स करेंगे तो करंट कितना सर्किट में भेजना चाहिए ताकि यहाँ पे 1 Tesla का फ्लक्स डेंसिटी मेंटेन हो सके। तो करंट की वैल्यू आई 1.16 amperes बेटा, कितनी ज़्यादा ये एयर गैप को इंट्रोड्यूस करते से ही फ्लक्स के रास्ते में कितनी बड़ी रुकावट आ गई जिसकी वजह से आपको ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करना पड़ा। 1 Tesla की ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर सेट करवाने में आपको बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स देना पड़ा एन इंटू आई, एन तो 350 है ही, करंट को आपको बहुत बढ़ा देना पड़ा। जबकि आपका एयर गैप नहीं था तब करंट कितना देना पड़ा था, 22.86 mA कितना कम था। तो एयर गैप जो है इंट्रोड्यूस करके इतना करंट आपको देना पड़ा 1 Tesla के मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए। तो बेटा इसमें BH रिलेशनशिप को भी मैंने यूज़ किया, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा टेबुलर फॉर्म में ना देकर ग्राफ दे दिया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात मैंने आपको बताई थी। तो उम्मीद है आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा के अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़िए एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। थैंक यू।